नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। सुबह सुबह ही मैंने जब फेसबुक खोला, एक बंदी कमेंट देखी, वहाँ पे बहुत जनों ने उस पर रिप्लाई भी किया था। 24 घंटे हो गए, बात हो गए, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा घर पे नहीं हुआ, इसका मतलब दुनिया में कहीं नहीं हुआ क्या? अमेरिका के 3 स्टेट्स में पिछले 48 घंटों में 75 साइक्लोन्स, टोर्नेडो जिसे कहा जाता है, टोर्नेडोज धड़के हैं 3 स्टेट्स में, आयोवा, मिसिसिपी और फ्लोरिडा। क्या हालत हुई होगी उन लोगों की, सोचो। इवन भारत के आसाम, भुवनेश्वर, पंजाब, इन 3 स्टेट्स में और राजस्थान में भी कुछ एरिया में पिछले 5 दिनों में ओले गिरे हैं, टोर्नेडो हुए हैं, साइक्लोन्स आए हुए हैं। तो तुम्हारे यहाँ पे नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं नहीं हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र सभी को। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा, तुम्हारे घर पे नहीं हुआ है, इसका मतलब दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। 70% दुनिया तबाही देख रही है, 70% दुनिया डाउ देख रही है। नसीब है तुम्हारा कि तुम्हारे घरों पे नहीं हुआ है। सूरज उगा है, सूर्य भगवान पैर गिरा करो उनके, जिस दिन गुस्से में आ गए ना, खत्म। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम्हारे घरों पे नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। क्या जान बची है, शुक्र मनाओ, अब तक रुद्रूप नहीं लिया है, अब तक तांडव तुम्हारे घरों पे नहीं हो रहा है। हो रहा है दुनिया में, तुम्हारे घरों पे नहीं हो रहा है, शुक्र मनाओ। जाके पूछो पंजाब के किसानों से, जाके पूछो राजस्थान के किसानों से, क्या हालत चल रही है। दिल्ली में बैठे हुए ये ना सोचे वो परमानेंट के लिए आए हैं, यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं होता है। परमानेंट अगर रोटी तवे के ऊपर रखी जाए ना, जल जाती है। परिवर्तन ये प्रकृति का, इस सृष्टि का नियम है। तुम लोगों को इतिहास अच्छे से नहीं बताया गया है, तुम लोगों को हिस्ट्री अच्छे से बताई नहीं गई है, जो आज की वीडियो का टाइटल है। क्यों? एक ही एग्जांपल देता हूँ। हिटलर बिटलर आपने सुने होंगे, मुसोलिनी, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, महान सम्राट अशोक को द ग्रेट अशोका क्यों कहा जाता है? कि आपको उसे अच्छे से बताया नहीं गया है, आपको अच्छे से सिखाया नहीं गया है। सम्राट अशोक का नाम लिया तो 90% लोग बाजू हो जाते, नहीं नहीं वो तो बुद्धिस्ट धर्म का प्रचारक था। अब वो भी मैं आपको बताने में कोई मतलब नहीं, वो क्यों बना, वो कलिंग युद्ध हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पहले का इम्पोर्टेंट है। द ग्रेट सम्राट अशोका, जिसके परदादा एक जैन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, किंग चंद्रगुप्त, ये सम्राट अशोक के दादा थे।
अब सोचो, नए बच्चे आए हुए हैं और तुमको तो सिर्फ इतना बताया कि अशोका बुद्धिस्ट धर्म का प्रचारक था, तो उसके दादा जैनिश कैसे हो गए? क्योंकि ये जो कास्टिज्म वगैरह चीज़ें थे वो तब टाइम पे नहीं थी, यानी राजा लोगों में नहीं थी, नीचे लोअर लेयर चलती थी। धर्म क्या है? व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन जिंदगी जीने का एक तरीका जो है वो रिलीजन है। हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म एक वे है मोक्ष के प्राप्ति का। जैनिज्म क्या है? एक वे है मोक्ष के प्राप्ति का। बुद्धिज्म क्या है? इट्स अ वे टू गेट अ डिवाइन, उस डिवाइन में सम्मिलित होने का। मुस्लिम इस्लामिज्म क्या है? इट्स अ वे ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का तरीका है वो। जब तक जीसस नहीं आए थे, क्रिश्चियनिटी कहाँ थी? जीसस आए, जीसस ने आपके बताया कि जिंदगी जीने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो रिलीजन इज अ वे ऑफ लिविंग, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं मैंने कहा ना, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं अगर देने 3 साल से दे रहा हूँ तुमको, रोज 1 घंटा के दे रहा हूँ, तो भी ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत है, बहुत है। तो हिस्ट्री आपको अच्छे से नहीं बताई गई है, आपको द ग्रेट अशोका अच्छे से बताया नहीं गया है। सीक्रेट सोसाइटी, तेरे को लग रहा है तू राज करेगी हम पे? तेरे को लगता है तू राज करेगी हम पे? जाके कोई उस इल्यूमिनाटी की जो मर गई ना अभी हेड, उसके जगह जो भी आ रहा है उसके जाके बोल दो, तुम पहले सीक्रेट सोसाइटी नहीं हो इस दुनिया की, तुम पहली सीक्रेट सोसाइटी नहीं हो इस दुनिया की। सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटी, सॉरी, इस दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी जो आज भी है सीक्रेट सोसाइटी, द ग्रेट अशोका ने बनाई थी। उसके 9 सीक्रेट मेंबर जिनके वंशज आज भी जिंदा है, और आज भी वो एंशियंट नॉलेज होल्ड करके रखे हैं। तो तुमको लगता है सीक्रेट सोसाइटी तुम हम पे राज करोगे? एक 144,000 पूरे यूनिवर्स के सोल्स जो यहाँ इस धरती पे जन्म लिए हैं, उन सब का सेकंड इन कमांड हूँ मैं सेनापति हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तुम कौन हो, मेरे को एक्सेप्ट करो या ना करने वाले, मेरे पे हंसने वाले, तुम्हारी औकात है क्या? तुमको गिनता कौन है? तुमको पूछता कौन है? 144,000 अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने कंट्रीज में एक्टिव हो चुके हैं। ये हम थे जो रोक रहे थे, नहीं दिवाली से एनर्जी लगा रखी थी, मत कर मत कर, खामोशी से रहे, प्यार से कर, हो जाएगा, किसान आंदोलन होगा, वहाँ पे मौका दिया जाएगा, लोग आएंगे, लोग लड़ेंगे, मोह भंग हो गया। फिर बोला ठीक है कर दे, कर दे, अब वो करेगी, उसने चालू भी कर दिया है। जाके पंजाब, राजस्थान, आसाम देखिए,
उसने चालू भी कर दिया है। तुम्हारे घरों पे नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं नहीं हो रहा है, मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। 90 सेकंड में तुर्की हलगी, क्या 90 सेकंड में तुर्की हल गई, 80% शहर बर्बाद हो गए। नमस्कार इक्तियाज, इक्तियाज, हाँ 90 सेकंड में हे का था हो गया। बहुत ताड़ों की इच्छा कर रहे हो, होगा और उस वक्त होगा जब तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि हम जब रोक रहे थे इस तांडव को भारत में होने से, मैं दो दिन कल ही मैंने कहा था ये मैसेज है पांडवों के लिए, शास्त्र तुम मत चूज करो, तुम सिर्फ मेडिटेशन करो, तुम सिर्फ डायमेंशन में जाओ, शास्त्र तुम्हें चूज करेगा, तुम सिर्फ एनर्जी लगाओ अपनी, वो खुद ब कनेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा ना ब्रह्मास्त्र मूवी जो थी ना, वो इल्यूमिनाटी को पता है कि वो क्या दिखा रहा है, क्या वो उनके लोगों को मैसेज दे रहा है, क्या वो उनके जो कौरव है उनको मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे साथ अब कनेक्ट हो जाओ। तो हमें भी आया हमारा चैनलिंग, मैंने कल बोला फिर पांडवाज जो भी है अब भी अपनी एनर्जी मेडिटेशन में उस डायमेंशन में लगाओ जहाँ पे तुम्हें अपने शस्त्रास की तरफ जाना है, शस्त्र तुम्हें चूज करेंगे, तुम्हें शस्त्र चूज नहीं करने हैं, तुम्हारी एनर्जी के लिए कौन सा शस्त्र सूट करेगा वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। उसका एग्जांपल कॉमन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज देखी होंगी मूवी एवेंजर्स की, नहीं देखी होंगी जाके देख लीजिए, उसमें उसका जो केप है वो केप उसको खुद चूज करता है, कहाँ पे वो जो लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी का कोड क्या था वाईफाई का, वो था शंभाला। शंभाला क्या है, शंभाला है 6th डायमेंशन। ये सारी चीज़ें अब कॉमन लोगों के लिए नहीं रही, ये आप लोगों के समझ के बाहर होने वाली है, क्योंकि युद्ध स्टार्ट हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, तांडव स्टार्ट हो चुका है, अब रणभूमि में जाने का वक्त जो है, क्योंकि ये युद्ध जो चलने वाला है वो 5th डायमेंशन में होने वाला है, तुम लोगों को बाद में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सारे के सारे पांडवाज सभी 144,108 सारे के सारे अभी डीप मेडिटेशन में हैं। मैं खुद लाइव ख़त्म होने के बाद में मैं खुद डीप मेडिटेशन में जाता हूँ। ये युद्ध तुम लोगों को मैं तभी भी कहा था, 2 साल पहले भी कहा था, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, तुम लोगों को नहीं समझेगा क्या हो रहा है, किस तरह से लड़ा जा रहा है, सिर्फ उसका फिजिकल इम्पैक्ट जो है, जब अब तक हमने शस्त्र नहीं उठाए हैं, अब तक हम शस्त्र चूज कर रहे हैं, हमारे शस्त्र अब तक हमें चूज कर रहे हैं, हमारे पास आए नहीं, वो आएंगे। इस अक्षय तृतीया को शस्त्र पूजन होगा, सभी पांडव तब तक अपने अपने शस्त्र ले चुके होंगे, अक्षय तृतीया को शस्त्र पूजन होगा और फिर होगा असली तांडव, जब हम हमारे शस्त्र चलाएंगे और देखोगे तुम इस फिजिकल 3D में, होगा 5D में तुम उसका इम्पैक्ट देखोगे इस 3D में, और तब तुम जो चाहते हो, जलजले, भूकंप, सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, टोर्नेडोज, तूफान, क्योंकि जो जो जिस जिस लेवल का शस्त्र चलाएगा
वो आपको यहाँ पे 3D में दिखेगा। जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, जय कल्कि भगवान।